पंचायत क्षेत्र क्षेत्र में देखिए बहुरंगी विकृति विसंगति एवं भ्रष्टीकरण का वृद्ध अनवरत संघर्ष में शिक्षा आम जनता को पहुंच में होने निःशुल्क एवं अनिवार्य होने माग सहित लामो समय देखि सड़क में शिक्षा जस्तो राज्य को आधारभूत दायित्व एवं जनता को मौलिक अधिकार अधिकार के विषय कई दलाल माफिया अकूत संपत्ति आर्जन करने व्यवसाय के रूप में लिने सोही अनुसार गतिविधि करने प्रति हमी सचेततापूर्वक ढंग हिड़ा छो शैक्षिक अधिकार प्राप्त करने लड़ाई में अविराम खटि रहने हम विशेषता अनुसार हम संगठन ने उपत्य का तीनवट जिला शिक्षा कार्यालय में ध्यान ध्यानाकर्षण कराते मागपत्र पेश कर विषय साँचो हो। इस विषय में इस बीच में काठमाडौं जिला का जीसीओ शंकरबहादुर गौतम कालो मसूर दलने के विषय असामान्य जस्तु भाई शैक्षिक क्षेत्र में बदनाम होने करी राज्य का प्रतिनिधि प्रतिनिधि होने कर गलत गतिविधि आम जनता विद्यार्थी र समग्र शैक्षिक आंदोलन स्वीकार हो सकते त्यस कारण राज्य आफ्नो जिम्मेवारी बुझे पारदर्शी ढंग अगाडि बढ्न अपील गर्दछु। अन्यथा यस्ता घटना थपिँदै जान सक्ने तर्फ सचेत गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा जिम्मेवारपूर्वक कार्य क्षेत्रमा खटिँदै गरेको अवस्थामा संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं काठमाडौँ जिल्ला संयोजक प्रकाश अधिकारी र संगठनका काठमाडौँ जिल्ला सदस्य विकास अधिकारी मिति 2073/1/17 गतेका दिन जोटपाटीबाट गिरफ्तार गरी स्वयम्भू प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको छ, जुन कुरा हाम्रो लागि मान्य र सही हुन सक्दैन। बिना कारण गिरफ्तार गरिएका संगठनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश अधिकारीले झन्डै 30 घण्टाभन्दा लामो समयदेखि पानी समेत नखाई भोक हडताल गर्नुभएको छ, तर प्रशासन मुख दर्शक बनेर बसिरहेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। बिना प्रमाण झुट्टा मुद्दा लगाएर गिरफ्तार गरिएका साथीहरूको बिना शर्त तुरुन्त रिहाईको जोरदार माग गर्दछौँ।